शायद जीता है, शायद जीता है कि महशर में सरकार बुलाएंगे कि गुनाहगार कहाँ है। महशर में सभी ढूंढेंगे, महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ है। महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ है। सरकार बुलाएंगे, सरकार बुलाएंगे गुनाहगार कहाँ है। सरकार के उपकार कहाँ है। أكمل الحمد على كل آل والصلاة والسلام الأتمان على سيد المرسلين كلما ذكر الزاهرون وكلما غفل عن ذكره دافعون اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآله وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأل السائلون أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. آئیے تسکینِ جانِ زار کی باتیں کریں، آئیے تسکینِ جانِ زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب شب سیدِ ابرار کی باتیں کریں، آئیے تسکینِ جانِ زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب شب سیدِ ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہے گل کی چمن کی گفتگو، بلبلیں کرتی رہے گل کی چمن کی گفتگو، آئیے کہ ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں، آئیے کہ ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. بلا تنبیہ باندھے میرے عزیز دوستوں بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے جو آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
मुझे जितना टाइम दिया गया है मैंने इंशाल्लाह 12 बजे अपने बयान को ख़त्म करना है। हालांकि मेरी तकरीर ज़्यादा थी, मौजू थोड़ा लंबा था, लेकिन मैंने आपको समझ लिया काफ़ी देर से बैठे हैं हम, जरा वैसे दीनदार है कि बात को लंबा कर लें। खिलाने की अच्छी बात की जितने रिटायर्ड किया के टाइम का पाबंद हो और इंशाल्लाह सदा इंशाल्लाह मैं भी अपने मतलब पे बयान ख़त्म कर दूँगा, चाहे दरमियान में हूँ कहीं भी हूँ इंशाल्लाह। मुबारकबाद के मुस्तहिक है फजल हुसैन साहब के साथ साजगार कलीम भाई और उनके जो साथ इंतजामिया है जिन्होंने माफ़ी को सजाया, इतनी प्रफुल्लस माफियों को सजाया। अल्लाह ताला इनकी इस माफ़ी को काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दरअसल सुभान अल्लाह, अगर आपको कोई बात अच्छी बल्कि सरकार की बातें सारी अच्छी है, अब आपके डिपेंड करता है आपने सुभान अल्लाह कहाँ कहना है कि नहीं कहना। मुझे मौजू दिया गया है सरकार के मिलाद के हवाले से और मैंने सरकार के मिलाद के हवाले से ही वो चीज़ करनी है। इंशाल्लाह मिलाद पर ही रहूँगा, जहाँ अब हुआ इंशाल्लाह छोड़ दूँगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि वा बिरहमतिही फ़बिज़ालिका, और मुझसे सीनियर अच्छा बनने वाले अच्छा जानने वाले यहाँ मौजूद हैं, तो इनके सामने इनके उनको मद्देनजर रखते हुए यूँ समझूंगा कि सब सुना रहा हूँ। अल्लाह ने बोल फरमाई, अल्लाह ने फरमाया कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि वा बिरहमतिही फ़बिज़ालिका, ऐ मेरे रब इनसे फरमा दीजिए, क्या करें इनसे फरमा दीजिए, सुने क्या फरमाने बिफ़ज़्लिल्लाहि वा बिरहमतिही, जब इन पर अल्लाह का फजल आ जाए अल्लाह की रहमत आ जाए फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस खुशियाँ मनाए। क्या करें कुछ याद रुक कर एक बात समझाता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भाई अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत कुरान है, क्या है हम मानते हैं भाई कुरान भी फजल भी है रहमत कुरान भी है, और मैं कहता हूँ अकल के ना हुए, अरे ये तो सोच कुरान किसके कल भी अजहर में उतर रहा है, कुरान उतर किस रहा है मेरी सरकार के साथ। हम साइंस की शब्द का बड़ा इकराम करते हैं, क्यों करते हैं बड़ा अनको इकराम करते हैं, क्योंकि इस रात कुरान नाज़िल होगा, और मैं कहता हूँ रब्बुल आलमीन का कितना इकराम करते होंगे जिसमें सरकार आ रही है, हुजूर की आमद आ रही है, उस महीने का कितना अनको इकराम करेंगे। अल्लाह ने फरमाया इनसे फरमा दे बेफजलिल्लाह वा बिरहमती, जब अल्लाह का फजल आ जाए रहमत आ जाए तो बस खुशियाँ मनाए। अब खुशी का इजहार कई तरीके से हो सकता है, आप महफिलों को सजा सकते हैं, आप चिड़िया लगा सकते हैं, आप गाड़ी लगा सकते हैं, जुलूस में जा सकते हैं, इसे ही कहते हैं खुशी मनाना, इसे ही कहते हैं खुशी मनाना। और हम कहते हैं खुदा का फजल और रहमत हुजूर की साथ साथ हुजूर से पढ़कर ना कोई अल्लाह का फजल है और ना ही अल्लाह की रहमत, आप कहते कुरान अल्लाह का फजल और रहमत है, हम कहते हैं मानते हैं भाई ये भी तो माने ना कुरान उतर किस पर रहा है वो भी अल्लाह की रहमत और फजल है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सोनिया हमने आपको इस जहां में अल आलमीन के लिए रहमत बनाया कर भेजा भाई, कुरान से नहीं ले रहा हूं, या फिर कुरान तो मानो तो या फिर इस कुरान पाक की इस आयत को रहमत, तुम्हें रहमत भी मानना होगा हुजूर की इस रहमत को, हुजूर का जो फजल हो रहा है अल्लाह का इसको हुजूर की आमद भी मानना होगा, आमद भी मानना होगा कि इससे मुराद हुजूर का फजल, अल्लाह का फजल रहमत से मुराद हुजूर की विलादत है, क्या है क्या है। अब विलादत भी आता हूँ हजरत आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये तो साहब इज्जत लोग हैं, ये तो पढ़ते होंगे, आप कहते हैं कि जब हुजूर की विरादत हुई ना तो मैं सरकार सालों से सब मुबारक को लिया हुआ था, तो मेरे शिकम के अंदर से एक नूर निकला, क्या निकला सारा जमीन में नूर, मुझसे एक नूर खारिज हुआ, क्या निकला आप कहती हैं बात कुछ समझना, मैं कहता हूँ अगर मुझे आप माना इस तरह इन कानों से नहीं इन कानों से सुन ले तो मजा आ जाएगा, मेरा सियालकोट ले आने यहाँ से आने का हल अदा हो जाएगा। आप कहती हैं कि मेरी शिकम के अंदर से एक नूर निकला, क्या निकला क्या निकला, आप कहती है उस नूर की इतनी रोशनी थी, मैं बैठी मक्का में हूँ, कहाँ बैठी हूँ मक्का में बैठ कर हालात मैंने शाम के देख ले, हालात मैंने
शाम कितने थे, मैंने कहा भाई वजह क्या हुई, हदीस पढ़ना किस वजह से हुई, विलादत हुजूर की हुई है किस वजह से हुई, मैंने कहा अरे हुजूर की वालिदा विलादत के दिन विलादत के दिन मक्के में बैठकर कहां मक्का कहां शाम मक्के में बैठकर शाम के मंजर देख सकती है तो वो हुजूर खुद कोटली रवैया वाले को यहां क्यों नहीं देख सकते और इस महफिल में क्यों देख सकते और जिन्होंने इतना इंतजाम किया है महफिल को सजाया है इस महफिल को हुजूर अपने रोजे से क्यों नहीं देख सकते। हम तो कहते हैं हुजूर जहां चाहे जा सकते हैं, जहां चाहे आ सकते हैं, किसे चाहे जलवा दिखा सकते हैं। हम तो यहाँ से यदि आला हजरत की जुबान इस्तेमाल करते हैं तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले ये हुजूर की पुत्री ज्यादा कौन है, हुजूर की पुत्री ज्यादा फिर उस सबको बड़ा प्यार होता है। हुजूर की पुत्री ज्यादा कहती है कि जब हुजूर की विलादत हुई ना आप कहती हैं जब हुजूर की विलादत हुई ना तो मैं सरकार के पास मौजूद थी। आप कहती हैं मैंने देखा हुजूर सबस लिबास से महफूज रहे और सजदे में पड़े हुए। आप कहती हैं सजदे में जब हुजूर पड़े हुए थे ना मैंने देखा हुजूर के लब हिल रहे थे। क्या हिल रहे थे? लब हिल रहे थे। आप कहती हैं बड़ा परेशान हुई, इससे पहले भी माए बच्चों को जन्म देती थी, अरे हमारा एक दिन का बच्चा बोलता नहीं, लब खोलता नहीं, देखता नहीं। आप कहती मैं बड़ा हैरान बड़ा परेशान हुई, ओ भाई ये क्या मामला है, क्या मामला है, इससे पहले किसी बच्चे के लब हिले नहीं, आंखें खुली नहीं, मैं देख रही हूँ हुजूर आते ही अभी एक दिन के हैं, एक दिन के अंदर में मोहम्मद अरबी सजदे में पड़े हुए हैं और लब हिल रहे हैं। मैं बड़ा हैरान परेशान हुई, मैंने अपने कान हुजूर के लब के साथ लगाए, जब मैंने कान हुजूर के लब के साथ लाए हुजूर पढ़ रहे थे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। हुजूर जुमला दिन जा रहा हूँ समाप्त कीजिएगा। हुजूर की पुत्री जा रही है, आप कहती हैं अभी एक दिन के नन्हे मोहम्मद अरबी दुनिया में आते ही अपनी उम्मत को नहीं भूले, उम्मत उम्मत कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ वो एक दिन के मोहम्मद होकर आते ही अपनी उम्मत को नहीं भूले, हम उम्मत होकर बारह रबी अव्वल में आता को कैसे भूल सकते हैं। क्या समझा, अरे वो एक दिन के होकर आते ही किस उम्मत को नहीं भूले और हम उम्मत होकर दलीलें मांगे, अरे हम मिलाद पर दलीलें मांगे, तो भाई दलील दो जी दो मिलाद कहाँ दिखाना। हम कहते हैं कि अरे तुमने हुजूर से उस तरह इश्क किया ही नहीं, और तुमने हुजूर को उस तरह पढ़ा ही नहीं, नसीहत पढ़ी ही नहीं। तुम दलील अगर बड़ा होता हुजूर से इश्क किया होता तुम दलीलें ना मानते, तुम दलीलें ना मानते। अरे वो बंदे मोहम्मद एक दिन के आते ही इस उम्मत को नहीं भूले, यानी हमें नहीं भूले, और हम फिर उम्मत होकर बारह रबी अव्वल को कंजूसी करेंगे, हम लाइटें लगाएंगे, हम जुलूस निकालेंगे, अरे मैं तो कहता हूँ हम सीना तान कर जुलूस निकालेंगे, हम सीना तान कर हुजूर का विधान बनाएंगे, लाइटें लगाएंगे, गर्म सजाएंगे, मैटी लगाएंगे और यूं ही कहेंगे रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे हाथ हो जाए जल जाने वाले, परे हाथ हो जाए जल जाने वाले। अरे खुशियां बनाओ यहाँ बनाओ, हम है सरकार का मिलाद बनाने वाले, हम है ना। अच्छा
कहीं मुझ पर नगे पड़े। अरे मैंने कहा तुम मिलाद बनाओ या ना बनाए, सितारे भी जमीन पर आके हुजूर की आमद में खुशियां मना रहे हैं। अरे वो जमीन पर आकर खुशियां मना रहे हैं, वो भी हुजूर की विलादत पर हुजूर को सलामी देने आ रहे हैं। और मैं तो यूं ही कहता हूँ, फलक के नजारे जमीन की बहार हो, फलक के नजारे जमीन की बहार हो, सभी खुशियां मनाओ हुजूर आ गए। क्या हुआ? हुजूर आ गए हैं। क्या हुआ? अरे ये अल्लाह जैसे हमने अल्लाह ने कायनात बनाई हुजूर के सदके से, जिस पे कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाई किसके सदके? आइए अब हदीस सुना कर इसको भी चक्कर लगा लो। यहाँ पे हम बता रहे عن ابي هريره رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوه متى وجبت لك النبوه حضور کے جو بیٹے صحابی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں حضور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو نبوت کب دی گئی حضور آپ یہ بتائیں آپ کب سے نبی ہیں کیا ہے कब से नबी है मैं कह रहा हूं ना अल्लाह ने कायनात हुजूर के सदके बनाई कि ये न कह देना कि सबसे पहले तखलीक को आदम अलैहि सलाम की हुई तो आप कह रहे हैं हुजूर की सदके कायनात बनी है अब हदीस की तरफ आता हूं अबू हुरैरा ने क्या कहा हुजूर आप ये बताएं कि आप कब से नबी हैं कब से आप रूह दी गई قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدم بين الروح والجسد ابو هريره سن अभी अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरा बनाया नहीं, अभी आदम अलैहिस्सलाम की रूह और जिस्म के दरमियान में थी तब भी नबी था। अरे मतलब भी नबी था। और मैंने कहा पता चला अल्लाह करीम ने इस कायनात को बनाया ही हुजूर के सदके है। अरे ये आसमान बिना सुकून है तो मेरे हुजूर के सदके है। ये कायनात किसके सदके है? किसके सदके है? अरे अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया ही मेरे हुजूर के सदके है। ये बिना सुकून आसमान है तो किसके सदके है? मेरे हुजूर के सदके है। ये जहां है तो हुजूर के सदके। ये चैन, ये परिंद, ये दरिंद, नबदात, हवानात, जमदात अगर है हुजूर के सदके, हमारी सांसें चल रही हैं तो हुजूर के सदके। और जहां है हुजूर के सदके, सैयदी आला हजरत ने भी कलम उठाया कि भाई ये हुजूर के सदके जमीन बनी है। आप दिखते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, जमीन और जमा आप कहते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, जमीन और चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, कलीम और नजी, वसीह और सफी, खलील और रदी, रसूल और नबी, अतीक और वसी, कनी वाली, सना की जुबा तुम्हारे लिए, अताए अरब, जलाए करम, फयोज अजब, या रहमत ए रब है किसके सबब, बरब जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में सनम, सनम में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मेहन, ऐसे मेहन आना तुम्हारे लिए, अताए अरब, जलाए करब, फयोज़े अजब, ये रहमत रब है किसके सबब, रब्बे जहां तुम्हारे लिए, फरिश्ते एकदम तुम्हारे लिए अल्लाह अकबर, नारा ए रिसालत, अल्लाह नारा
जिंदा अल्लाह सैयदी आया जो आखिर शेर लिखा कमाल का आप कहते हैं सवा चले बाग भले वो फूल खिले दिन हो भले नवा के गले सया में खुले रजा की जुबान आप कहते हैं समझाता हूँ मेरा टाइम जरा बढ़ा दिया गया है समझाता हूँ आप कहते हैं कि अगर दुनिया में जुबान खुलती है ना तो हुजूर की सत्ती खुलती है हुजूर की सलाह हामी भी खुलती है हुजूर की जिक्र भी खुलती है रब्बे काबा की कसम अगर कल कयामत के रोज महशर के मैदान ने मुझे अल्लाह के अहमद रजा कुछ बोल रब्बे काबा की कसम तब भी मैं हुजूर की लबकुशाई करूंगा अरे तब भी हुजूर की तरह करूंगा तब भी हुजूर के गीत गाऊंगा क्यों क्योंकि हमने दुनिया में इश्क किया ही हुजूर से इश्क किया ही हुजूर से है और भाई जिनको हुजूर से इश्क हो ना वो ऐब तलाश नहीं करते वो नुक्ता चीन नहीं करते वो ऐब भी निकालते नक्स भी निकालते वो फिर ये भी कहते पता नहीं हुजूर को कितना पता नहीं हुजूर इल्मे के रखते थे कि नहीं पता नहीं वो हाजिर और नाजिर है भी कि नहीं और मैंने कहा वो चन्ने वो पागल अगर तुम्हें हुजूर से इश्क होगा ना तो ऐब नहीं निकालोगे अरे जिनको हुजूर से इश्क होता है ना और जिन जब उनका कलम उठता है जुबान खुलती है वो फिर यही कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे बाबे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे तेरे तो वच ऐबे तनाही से है बनी मैं इसे भी यूँ समझाता हूँ जिसने हुजूर की जात से ऐब निकाला उसने अपने जाहिल होने का सबूत दिया मैं कहता हूँ सैयदी आला हज़रत लिखते हैं तेरे तो वच ऐबे तनाही से है बनी खैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पर कर लेकिन रजा ने खत्म सुखन कर दिया खाली का बंदा हल्क का आका कहूँ खाली का बंदा हल्क का आका कहूँ तुझे और मैंने कहा जिसे हुजूर से इश्क हो हुजूर से मोहब्बत हो वो ऐब नहीं निकालते अरे उनकी जुबान हुजूर के जिक्र के लिए खुलती है फिर यही कहते हैं या साहिब अल जलाल वो या साहिब अल जलाल वो या सैयद अल बशर मैं उमर ही कर बोली लगत नूरी अकबर ला यमकिन सना कमा काना हुजूर ला यमकिन सना कमा काना हक बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस साहिब आप कहते हैं मैं तो क्यों ही कहूंगा अरे हुजूर आपकी सना का हक अदा करना तो मुमकिन नहीं है अगर अल्लाह के बाद कोई बुजुर्गी कोई किबरियाई कोई काबिले दस्त कोई काबिले शान के काबिल है तो हुजूर की जात हुजूर की जात है और भाई जी ने हुजूर से इश्क किया और सीना तान कर हुजूर का जिक्र किया सीना तान कर हुजूर की सना खान की सीना तान कर हुजूर से प्यार किया वो फिर गोले का ताजदार आप लिखते हैं इस सूरत नू में जाना इस सूरत नू में अच्छा उस सूरत को नहीं पता इस सूरत नू यानी हुजूर को देख कर शेर लिख रहे हैं आप कहते हैं इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा सच आखा के रब दी मैं शान आखा और जिस शान तू शान आ सब बनिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छा बड़े बड़े शायर के शेर लिखा लेकिन उन्होंने इतनी इतनी गहरी शेर लिखा जब हम कुछ चीज देखते क्या कहते हैं सुभान अल्लाह क्या कहते हैं अल्लाह हू अकबर अरे शान जन महबूब की बयान कर रही है जिक्र अल्लाह का कर रहे हैं सुभान अल्लाह आप कहते हैं सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अजमल का मा आहसन का ओ किते महल अली किते तेरी सना गुस्ताह है की किते जा रही गुस्ताह है की किते जा रही अरे जिन्होंने हुजूर से इश्क किया उन्होंने फिर ऐब तलाश ना किया नक्श निकाले अरे वो सीमा पान के बदल क्या कहते रहे होना ये फूल तो बुल बुल का तेरे होना ये फूल तो सही थी अलावा एक बाल ने पता किस चीज से तस्वीर दी हुजूर को फूल क्या कहा हमारे से आप कहते हैं होना ये फूल तो बुलबुल का तरंग बिना हो चमने तहर में कलियों का तबस्सुम तो बिना हो होना ये साकी तो भी ना हो खुम भी ना हो बसने तो ही तो भी दुनिया में ना हो तुम भी ना हो खैमे अखलाक का हिस्सा था इसी नाम से है नबजे हस्ती तपशवादा इसी नाम से अरे जिन्होंने हुजूर से इश्क किया ना रब्बे काबा की कसम उन्होंने फिर नक्शे उम्मी हुजूर के लिए अनपर के लिए सवाल ना जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की उन्होंने आंखें बंद करके की
जिन्होंने हुजूर से प्यार किया उन्होंने सीना तान कर हुजूर से प्यार किया। अरे किसी की बातों से प्यार किया हमें लोग मेरा फतवा अभी अलामा साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं बड़ा फतवा लगाते हैं आप बड़ा हुजूर का जिक्र करते हैं आप बड़ा जनाब हुजूर का जिक्र करते हैं आप हुजूर को जो मेरी तरफ रखिएगा गैर साहब की बात मुकम्मल कर रहा हूँ आप बड़ा हुजूर का जिक्र करते हैं क्या करते हैं बड़ा हुजूर का जिक्र करते हैं जब देखे मैसेज कुछ जाया होता है अब सुने हुजूर फरमाते हैं अगर एक बंदा सारी रात अल्लाह अल्लाह करता रहे क्या करता रहे सारी रात कुरान पढ़ता रहे सारी रात नवाफल पढ़ता रहे सारी रात तस्बीह कहता रहे अगर दिल में बुग़्ज़ मेरे महबूब का है दिल में बुग़्ज़ हुजूर का है हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के रोज यही इबादत अल्लाह उसके मुंह पे मार देगा क्या करेगा अल्लाह और बुग़्ज़ मेरे महबूब का रखा हुआ और बुग़्ज़ उसका रखा हुआ है जिसके सदके ये कायनात बनी है और तुम जितना मर्जी अल्लाह करो कल क़यामत के रोज अल्लाह यही तुम्हारे मुंह पे मार देगा। हम हुजूर का जिक्र करते हैं हुजूर का जिक्र हम करते हैं इसलिए अच्छा एक रिवायत समाप्त करना इसके बाद गुफ्तगू खत्म अगर माजत कबूल कीजिए इंशाल्लाह रिवायत के बाद मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा सुभान अल्लाह शुक्रिया। अच्छा हुजूर पढ़ा रहे थे नमाज कसूर सहाबा कहते हैं हमने इससे पहले ना कभी ये मामला ये मुआजरा ना देखा हमने देखा अच्छा ये रिवायत सही मुस्लिम में मौजूद है सही बुखारी में मौजूद है यूं कहूँ सही है शेख है सही है रिवायत किया है इसे आप कहते हैं हल्के अबू हुरैरा से भी और दीगर सहाबा से हदीस मरवी है तो जो जरा देखिए तरफ रखिएगा मिलाद के हवाले से बड़ी प्यारी बात है वो हदीस की रूह से सहाबा कहते हैं हमने देखा ये रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं नमाज कसूर ये बारिश चली आती है जब बारिश ना आएगी सवाल का वक्त आ जाए हजूर पढ़ा रहे हैं नमाज कसूर आप कहते हैं हुजूर अपने मुसल्ले मुसल्ले में खड़े हैं हम देखते हैं कि हुजूर ने हाथ ऊपर किया क्या देखा हुजूर ने हाथ ऊपर किया हम कह सहाबा कहते हैं हमने देखा कि जब हुजूर ने हाथ ऊपर किया ना तो हुजूर ने कभी कदम आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं हमने कहा कभी सरकार ने ऐसा मौका नमाज में किया नहीं इतनी देर होगी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते परेशान आप कहते हैं जब नमाज मुकम्मल हुई ना सारे जब नमाज मुकम्मल हुई ना हुजूर की बारगाह में बैठ गए अल्लाह को क्या महफिल होती होगी हुजूर के साथ अल्लाह सहाबा इकराम को दुआ का चेहरा देखते होंगे और नई की जुल्फे देखते होंगे माजात का कचरा देखते होंगे मेरा मौजू हुस्न मुस्तफ़ा नहीं है रब्बे काबा कसम उस्तादों से ऐसा सबक पड़ा है कि आपकी वाह वाह करवा रहे हुस्न मुस्तफ़ा पर अच्छा अच्छा सहाबा कहते हैं हम बड़ा हैरान बड़ा परेशान सरकार नमाज में ऐसा मामला कि हम हुजूर से इसकी वसूल कभी ऐसा देखा नहीं आप कभी आगे कदम पीछे करते हैं कभी आगे करते हैं कभी हाथ ऊपर करते हैं नीचे कर रहे हैं आप कहते हैं कि सहाबा मैं जमीन पे रहते हुए सिदरतुल मुंतहा के साथ अल्लाह के बागात या वहाँ चला गया था नहीं मजा अच्छा बात करो जन्नत कहाँ है सात आसमानों से ऊपर।